कॉफी बना लाया। मम्मी ना सो गई थी मस्त, मतलब लेट गई थी, मस्त दूध निकाला अपने मन से। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग नरेंद्र के साथ एक नई शुरुआत। और हाँ, सुबह सुबह के भाई साहब, अभी बजे 7:30, अभी अभी ना जस्ट मैं उठा हूँ सोकर, मतलब। और हाँ, काफी टाइम दिन बाद अपना ब्लॉग भी आ रहा है फाइनली। अभी ना चलते हैं, पहले नहाते हैं, बिकॉज सभी लोग ऑलमोस्ट नहा चुके होंगे। मैं ना अभी उठा हूँ, सिर्फ दरवाजा खोला भाई, इतनी मस्त ना धूप करके रखा हुआ है। और 1-1.5 घंटे बाद कर देगा सीधा पानी वाला मौसम, बरसात वाला, तो उसका वो कहे वही अपना रहता है सिस्टम, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा बरसता रहेगा और शाम से फिर परेशान करने लगेगा। तो पहले चलते हैं, नहाते हैं। और भाई, जुल्फे तो हमारे ऐसे बड़े बड़े हो गए हैं ना कि सभी लोग ना टोकना टोका टिप्पणी करने लगे हैं। अभी आज तो नहीं, बट हाँ संडे को ऑलमोस्ट कटवा ही लेंगे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, ऊपर के तो नहीं, बट हाँ साइड साइड के इसको सेट करवा कर थोड़ा सा कुछ तो करवा ही लेंगे ऑलमोस्ट। मम्मी तो नहा चुके हैं, पापा दोनों लोग, सिर्फ मैं बचा हूँ, स्वाति का तो कोई ठिकाना नहीं। स्वाति, अरे ओहो, नहा कर आ गई मैम, मैडम नहा वहा कर सब फेसा हो गए हैं, बिल्कुल एकदम यहाँ भाग रहे हैं सच सच कर, पता नहीं कहाँ निकलना है इनको। तो चलते फाइनली हम भी नहाते हैं, इसके बाद आपसे मिलते हैं। फाइनली अपना नहाना ना हो चुका है और भाई सुबह सुबह की पहली चाय आ चुकी है अपने पास, जल्दी चाय पीते हैं। उसके बाद मम्मी ना उपमा बना रही है नाश्ते में, तो नाश्ता रपटते हैं, उसके बाद सीधा निकलते हैं दुकान के लिए। और हाँ, मम्मी के साथ आज पोपट हो गए, बिकॉज कल रात में ना उनका गैस भी खत्म हो गया था और आज इंडक्शन पता नहीं क्यों ना चल ही नहीं रहा था, अभी तो चलने लगा। मैं उसको कुछ थोड़ा सा ठीक ठाक किया तो किसी तरह चलने लगा, बट उसको भी दिखवाना पड़ेगा। गैस तो अभी दिक्कत नहीं है, गैस तो आज जाएगी ऑटो, तो मतलब गांव की है तो वहीं पापा रखवा देंगे, तो मस्त भर के आ जाएगा शाम तक में, तो उसकी तो दिक्कत नहीं रहती। बट हाँ, इंडक्शन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, बिकॉज अगर लाइट ना रही ना तो फिर खाना बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती, क्योंकि चूल्हा बहुत कम मम्मी बनाने लगी, यूज़ करने लगी जब से इंडक्शन और गैस, मतलब गैस तो पहले से, मतलब काफ़ी टाइम से, बट हाँ जब से इंडक्शन आ गया ना 4 साल से, तब से ना चूल्हा तो बिल्कुल ही बंद हो गया, जो कुछ भी काम रहेगा तो गैस में, अदरवाइज इंडक्शन में तो पूरा ही काम हो जाता है। चलने लगा इंडक्शन अब, है ना। तो किस्मत आज ख़राब हो गई थी, क्योंकि गैस भी ख़त्म हो गई थी आपकी, और साथ ही साथ लगा कि इंडक्शन भी गया है ना। और यहाँ पे चालू है भजन, मस्त एक फ़ोन में ना मम्मी ने ना यूट्यूब से मस्त 10 आरतियों की ना पूरे मतलब सीरीज डाउनलोड करके रख लिया है, तो सुबह चला देंगी तो कम से कम 2 घंटे तक भाई इतना बजेगा कि हद हो जाएगा, जो दिन भर वही बजता है, बजाते रहना बैठे रहेंगे 2 घंटे तक आराम से मज़े के साथ सुनते सुनते मज़े कर देंगे। और भाई सभी लोग मस्त सुबह सुबह का माहौल लेते हुए आंगन में बैठे, दरबार चल रही है और कुछ नहीं, पापा का चल रहा है पूजा पाठ और स्वाति की चालू हो गई है क्लास, मतलब सभी लोग ऑलमोस्ट सुबह सुबह ना बिजी हो जाते हैं और शाम को स्वाति फिर से क्लास में बिजी हो जाती है। फाइनली आ चुका है अपना मस्त उपमा नाश्ते में, मस्त टमाटर की चटनी भाई, ऊपर ही मिर्ची दिख रही है, मस्ती का दिखा मम्मी ने मस्त टमाटर में भी डाल दी थी कि मिर्चियाँ डाल दी हैं, बिकॉज उनको तो खाना नहीं है टमाटर की चटनी, तो मस्त रपट कर डाल दी मिर्ची। फाइनली जल्दी इसको रपटते अभी ना दोपहर के ना बज रहे हैं 2:30 से 3, अभी ना मैं जैसे दुकान से आया हूँ, खाना ना रपटे हैं मस्त दबाकर थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा नहीं, घूम भी नहीं मेरे को ना, अब भी जाएंगे रीवा, बिकॉज आज ना विपिन का बर्थडे भी है, मेरे कुछ दुकान में सामान भी आएंगे, कुछ लोगों से मिलना भी, कुछ काम भी इंपॉर्टेंट, 3-4 कामें हैं, तो वही सब करेंगे और इसके बाद सीधा आएंगे 5 से 6 बज जाएंगे अपने घर। ये देखिए महासा इंसान 3 बजे सो रहे हैं, 4 बजे इनके ट्यूशन के लड़के भी आ जाएंगे पढ़ने के लिए, सोने के लिए कह दो तो अच्छा, अथक है सोने के लिए, 24 घंटे बस सोना सोना सोना, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं है। तो पहले मम्मी बना रही है मस्त चाय, तो पहले गर्मा गर्म चाय भी पिए ले चलते हैं यहाँ से, क्योंकि मेरे तो 3 बज रहे हैं ना, तो फिर नींद भी थोड़ा थोड़ा लग रही है, तो आलस बना रहा है भाई लोग। फाइनली रात के ना बज रहे अभी 9:30, मैंने दुकान से मतलब रीवा से भी आ गया करीब 8 बजे के आसपास में आ गया, बस वीडियो नहीं शूट हो पाया आज बिल्कुल भी, बिकॉज ना मैं काम ही में रह गया, शाम हो गई, इसके बाद केक वगैरह उसका कटवाया विपिन का, वहाँ मस्त हम लोगों ने खाना पीना खाया, इतना जल्दी जल्दी सब हुआ, कुछ नहीं हो पाया भाई। और फ़ोन में भी ना बैटरी नहीं थी बिल्कुल भी, रीवा में अपने को काम करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, बट हाँ थोड़ी सी ना मोबाइल की दिक्कत थी, बैटरी भी नहीं थी, तो वीडियो ज़्यादा शूट नहीं किया, बिकॉज फिर कॉल बंद हो जाता अपना ना, तो इसी चक्कर में नहीं हो पता। अब भी जस्ट पहुँचे भाई साहब रीवा में, खाना वाना तो मस्त तो खा कर आ गया था, मम्मी है गुस्सा कर रही थी, जब खाना नहीं खाना तो बता देना चाहिए, सही बात है, डेली खाना बनाते हैं ना, किसी के दिन मैं नहीं खाता हूँ तो बच जाता, तो सुबह मम्मी को फिर स्वाति को खाना पड़ता, अभी लगे सब बर्तन धोने में, मस्त शांति भाई। ओह भाई, यहाँ पे चल रही है मस्त पढ़ाई, ये कूलर रख के बब्बा वाला छोटा वाला कूलर रख के यहाँ पे चल रही है पढ़ाई, मतलब इस समय छुप छुप कर पढ़ाई होती है, क्या कारण है पढ़ने का इतना, या तो फिर रिजल्ट गड़बड़ाने वाला होगा,
पहला कारण ये भी हो सकता है, ये पेपर कहाँ से पाए, दुकान से लाए होगा? अरे खरीद कर तो लाए नहीं हो, दुकान जाएंगे, दुकान से चोरी कर कर लेकर ला लेंगे प्रैक्टिकल का। सुने भाग, हम अपना सुनते हैं, हम अपना सुनते हैं, किसी को नहीं सुनते हैं। तो गाइस चलते हैं पहले ना चाय बनाने को, मेरे को पीना है चाय आज रात में। तुम्हारी मम्मी से ना दूध लेते हैं, इसके बाद चाय की तैयारी तो मस्त इंडक्शन में बना लेंगे भाई। और भाई अपने लिए ना मस्त कॉफ़ी बना लाया है, मम्मी ना सो गई थी मस्त भाई, मतलब लेट गई थी, मस्त दूध निकाला अपने मन से। और भाई ये देखो, मतलब फिर चाय बनाने का ना मूड ही बदल गया, कब चाय नहीं पीएंगे, कॉफ़ी बना लेंगे। रात के ना बज रहे हैं अभी 11:30 और मस्त मेरे को ना जम के मस्त लग रही नींद, बिकॉज रीवा गया ना करीब मेरे को 7-8 बज गया नहाने में, मस्त जम के भाई थक भी चुका हूँ। 3 बजे गया हूँ, 8 बजे आया, मतलब सीधा सीधा 5 घंटे रीवा मेरा बाइक भी चलाना पड़ा जाने के लिए। आते समय तो ना दीपू मिल गया रीवा में, दीपू चलाते हुए आ गया गाड़ी पूरी, बस रीवा में ही चलाना पड़ा थोड़ा सा। तो गाइस अभी इस ब्लॉग पे रिपीट करते हैं, होपफुली आप लोग ब्लॉग पसंद आए, पसंद आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस इस समय हमारे शॉर्ट वीडियो थोड़ा सा ठीक चल रही है, तो बस ऐसा ही आप लोग प्यार देते रहें। तो होपफुली आप लोग ब्लॉग पसंद आए, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, बाय।